श्री धाम वृंदावन में राधे राधे नाम की गूंज चारों तरफ गुंजायमान थी। हजारों भक्त ब्रह्म मुहूर्त से ही वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा दे रहे हैं। माथे पर तिलक, हाथ में तुलसी की माला और मुख में श्री कृष्ण नाम, इसी के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ परिक्रमा की और विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जाकर शरद पूर्णिमा के विशेष दर्शन किए। पूरे मंदिर को सफेद वस्त्रों से सजाया गया था। वहीं भगवान बांके बिहारी लाल को भी धवल वस्त्र पोशाक के रूप में धारण कराए गए और बिहारी जी महाराज ने शरद पूर्णिमा के दिन स्वर्ण मुकुट और हाथों में मुरली भी धारण की। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था और उसी दौरान उन्होंने प्रथम बार बांसुरी बजाई थी। इसी भाव से भगवान बांके बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई जाती है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि आज विशेष दर्शन कर वह निहाल हो गए। वृंदावन जैसा आनंद उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। मेरा नाम रेनू चौधरी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। आज शरद पूर्णिमा है, दर्शन किया, कैसा लगा, क्या कहेंगे? बहुत आनंद आया दर्शन कर, क्योंकि आज कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली को धारण करा है और उसको देखकर आनंद आ गया। क्या खास दर्शन हुए, कैसे पोशाक थी? उनकी सफेद पोशाक थी और मुरली धारण कर रखी थी। साल में एक बार ही वो मुरली धारण करते हैं। आपने पहली बार किया शरद पूर्णिमा दर्शन? नहीं, मैं हर तीन साल से हर महीने आती हूँ और ये जो महत्व होता है, इसका सबसे बड़ा महत्व है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल। कृष्णा, कहाँ से आई हैं आप? मैं कलकत्ता से आई हूँ। हाँ, तो क्यों आए आज? मैंने आज पूर्णिमा है और यहाँ भगवान आज पहली बार मुरली धारण की है और सफेद वस्त्र में है और बहुत दिव्य दर्शन है उनके, इसीलिए उनका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ। कैसे पता चला आपको कि शरद पूर्णिमा पर ये विशेष दर्शन होता है? यहाँ हम लोग पिछले साल भी आए थे, तब पता चला कि यहाँ हर साल मुरली धारण करते हैं भगवान, तो इसीलिए हम लोग उनके वापस आते हैं। हाँ, ऐसा खास दर्शन लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा और वृंदावन वासी तो ऐसे ही बहुत अच्छे, सारे बहुत ही अच्छा, और बिहारी जी का तो यहाँ दिव्य दर्शन होते हैं, एकदम साक्षात ही दर्शन लगते हैं हम लोग।